गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 3rd September, ओके। सब्जेक्ट इंग्लिश 2। आज इंग्लिश 2 में मैं ऐसे कराऊंगी, ऐसे यानी जैसे हम सीनियर के जी में अभी माई सेल्फ, माई स्कूल, माई फैमिली पे सेंटेंस करते थे, अब तब वो हम ओरली करते थे लर्न। अभी हमको कैसे करने हैं, रिटर्न में करने हैं। पहले हम ओरली माई सेल्फ, माई फैमिली, माई स्कूल याद करते थे, अभी हमको किस में करने हैं, ओरली करने हैं। तो माई सेल्फ के मैंने आपको 5 सेंटेंस पहले भी लर्न कराए थे और अभी भी कराती हूँ, ओके। तो माई सेल्फ में पहले हम अपने बारे में बताएंगे, फिर अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। तो माई सेल्फ में पहले क्या बताएंगे, फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम ए बॉय। जो बॉय होगा वो बॉय लिखेगी, जो गर्ल होगी वो गर्ल लिखेगी। अभी मैंने कई बार आपको बताया है आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ओके। सेकंड सेंटेंस है माय नेम इज डैश। आपका जो भी नाम है आपको अपने नाम की स्पेलिंग लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, ओके। तो माय नेम इज डैश, आपका जो भी नाम है उसकी आपको स्पेलिंग लिखनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ये आपको रिटर्न में लिखने का आएगा। ऐसे टॉपिक आएंगे, ऐसे यानी निबंध, आपको कोई भी 5, 7, 8 जितने भी आपको सेंटेंस याद हो जाते हैं उतने आपको 5 नंबर का आएगा। तो 5 सेंटेंस लिखे, 10 नंबर का तो 10 सेंटेंसेस लिखिए, ओके। लेकिन लर्न आपको पूरा ही करना है। तो आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, माय नेम इज डैश, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। 3, आई एम, अब आप 6 ईयर्स हो गए, आई एम 6 ईयर्स, राइटिंग कर्सिव ऑनली, 6 ईयर्स ओल्ड। आपको मैंने कर्सिव राइटिंग सिखाई है, इसलिए आपको कुछ भी लिखना हो, सेंटेंसेस, क्वेश्चन आंसर कुछ भी लिखना हो वो किस में लिखेंगे, कर्सिव लेटर में लिखेंगे, ओके। तो आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। 4 इज आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, ठीक है ना। स्टैंडर्ड 1 भी लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फर्स्ट भी क्लास है, स्टैंडर्ड 1 लिख दीजिए, ओके। आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, स्टैंडर्ड 1 में आ गए, ओके। 5 नंबर पे आता है आई लिव इन भोपाल, आप कहाँ रहते हो, भोपाल में रहते हो, आप कहाँ रहते हो, भोपाल में रहते हो, ओके। तो ये 5 सेंटेंस तो आपको लर्न बाय हार्ट होने ही है। जब आपको ऐसे लिखने को आता है तो आपको ये लर्न बाय हार्ट होना ही चाहिए। आप फटाफट इसको नोट डाउन करिए और इसको कम से कम 5 पेजेस में लिखिए, आपको लर्न हो जाएगा। इस बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आएगा, आप फर्स्ट में आ गए हैं, आपको ऐसे राइटिंग स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट ऐसे इज माई सेल्फ, आपको फर्स्ट ऐसे कौन सा लिखाया जा रहा है, माई सेल्फ का। तो माई सेल्फ देखिए, मैंने आपको सीनियर के जी में लर्न कराया था, अभी आपको रिटर्न में आएगा। आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, माई नेम इज डैश, आपका जो भी नाम है वो नाम लिखिए। आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो, 6, तो आई एम 6 ईयर्स ओल्ड। आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, कौन से क्लास में आ गया, स्टैंडर्ड 1 में। आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन भोपाल, आप कौन सी क्लास में, आप कहाँ रहते हो, भोपाल में। आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन भोपाल, ओके। आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, माई नेम इज डैश, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 1, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन भोपाल। इसके
उसके बाद आप देख सकते हो माइसेल्फ में माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, माय ब्रदर नेम इज, ऐसा करके आप सेंटेंस बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको ये फाइव सेंटेंस तो अच्छी तरह से लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। ओके, सिक्स सेंटेंस में आप देख सकते हो माय फादर नेम इज। ओके, सेवन सेंटेंस में माय मदर नेम इज। ओके, एट में आप अपने बारे में बता सकते हो आई हैव, मेरे पास वन ब्रदर, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। ओके, राइटिंग ऑन ए पर्सन। ठीक है, तो क्या है, आपने फाइव सेंटेंस तो आपको लर्न है, सिक्स सेंटेंस कौन सा है, माय फादर नेम इज डैश, अपने पापा का नाम भी आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, माय फादर नेम इज डैश, माय मदर नेम इज डैश। ओके, माय मदर नेम इज डैश, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। ओके, फिर फर्स्ट नंबर फिर से लर्न करते हैं। ओके, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, जो बॉय है वो पूरा सेंटेंस लिखेंगे आई एम ए बॉय, और जो गर्ल है वो सेंटेंस लिखेंगी आई एम ए गर्ल। सेकेंड है माई नेम इज डैश, आपका जो भी नाम है आपको उस नाम की स्पेलिंग लर्न बाय हार्ट होनी ही चाहिए, तो माई नेम इज डैश, आपका जो भी नाम है वो नाम लिखिए। थर्ड है आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो गए, आप सिक्स ईयर्स के, कितने साल के हो गए हो, सिक्स ईयर्स के, तो आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो गए, सिक्स साल के, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड। आई स्टडी इन स्टैंडर्ड वन, आप कौन सी क्लास में आ गए हो, स्टैंडर्ड वन, आई स्टडी इन स्टैंडर्ड वन। आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन भोपाल, माई फादर नेम इज डैश, आपके फादर का जो भी नाम है आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए विद स्पेलिंग, तो माई फादर नेम इज डैश। माई मदर नेम इज डैश, आपकी मम्मी का क्या नाम है वो भी आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, माई मदर नेम इज डैश। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, अपने बारे में बता रहे हो इसलिए कि मेरे पास एक भाई और एक सिस्टर है, मेरे एक बहन और एक भाई भी है, आई है वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। इस तरह से आप एट सेंटेंस लर्न बाय हार्ट करिए, और आपको कॉपी नोट डाउन करना है तो कॉपी करिए अच्छी तरह, ये आपके एट सेंटेंस है जो आपको ऐसे में आएंगे, टीचर फाइव मार्क्स का ऐसे दे सकती है, आपको इन सेंटेंस में से अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट करके लिखना ही है। तो ऐसे क्या है, ऐसे यानी रिवर्स, और ऐसे किस में आएगा, इंग्लिश टू में आएगा, किस में आएगा, इंग्लिश टू में आएगा, ऐसे माई सेल्फ। ओके, तो आप कॉपी नोट डाउन करिए, ये ऐसे बहुत इजी है, आपको लास्ट ईयर की आपके पास बुक होगी नर्सरी रेम्स, तो उसके पीछे भी माई सेल्फ लिखा है, आप उसमें से भी उतार सकते हैं। ओके, आपको वर्कशीट में ऐसे लिख के नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसे बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो वीडियो देख के आप मेरे एट सेंटेंस उतार सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल लिखे मैंने, आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल। सेकेंड नंबर पे माई नेम इज डैश, अपना नाम लिखिए माई नेम इज डैश, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड। ओके, आई स्टडी स्टैंडर्ड वन, आई लिव इन भोपाल, आप कहाँ रहते हो, भोपाल, जो जहाँ रहता है वो लिखिए, आप साउथ भोपाल में रहते तो साउथ भोपाल लिखिए, मणिपुर में रहते तो मणिपुर लिखिए, जहाँ रहते वो एड्रेस आपको लिखना होगा, आई लिव इन भोपाल। माई फादर नेम इज डैश, आपके फादर का नाम क्या है वो भी लिखना है, माई फादर नेम इज डैश, माई मदर नेम इज डैश, फिर अपनी मम्मी का नाम लिखना है कि मेरी मम्मी का क्या नाम है, माय मदर नेम इज डैश। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, मेरे पास एक बहन और एक भाई है, तो आप ये क्या बता रहे हैं, माई सेल्फ, अपने बारे में बता रहे हैं। ओके,
एट सेंटेंस आपके लिए अभी इनफ होंगी, पहले इस बार एट सेंटेंस करिए, तब मैं नेक्स्ट आपको कराऊंगी। ओके, अब इसको ऐसे लिख लिया आपने सबने, दो मिनट में आपको देती हूँ, फटाफट लिख लीजिए। ऐसे फटाफट बता लीजिए। आपने ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा ऐसे लेके आऊंगी। अब आता है हम पहले नेम्स ऑफ थिंग्स लिखाए थे मैंने, नेम्स ऑफ प्लेसेस लिखाया था, आज हम करेंगे आपके साथ स्टार्टिंग से करते हैं, हमारे स्टार्टिंग से करते हैं तो अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, ओके अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेसन था ये चैप्टर वन, ओके चैप्टर वन रिवीजन। ओके, नाउ अल्फाबेट्स रिवीजन करेंगे अपन, ठीक है। तो अल्फाबेट्स में मैंने क्या बताया था आपको, ए फॉर एप्पल, ओके तो ए फॉर एप्पल ये स्टार्ट कराया था, बी फॉर बॉल, ये तो आप सबको लर्न बाय हार्ट ही है, एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, okay? D for dog, इस तरह से आपको लर्न करना है, आपकी बुक है उसमें आपको A से Z तक करना है। तो एक बार मैं कर्सिव में आपको अल्फाबेट से लिखना सिखा देती हूँ। कर्सिव राइटिंग मस्ट है, ओके आप वर्कशीट में कर्सिव में नहीं लिख रहे कई बच्चे, तो कर्सिव में लिखना जरूरी है। ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के ओके एल M, N, O, P, Q, cursive writing, Q, R, S, T, U, V, W, कर्सिव राइटिंग, ओके इसको भी आप दो तीन बार प्रैक्टिस करिए तो आपको लर्न बाय हार्ट हो जाएगी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके स्मॉल ओके। तो
आज आपको ये आज टुडेज होमवर्क इज माई सेल्फ, फाइव सेंटेंस ऑफ माई सेल्फ और कैपिटल स्मॉल वर्ड से। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।